हेलो हेलो, वेलकम टू माय मोटर गाड़ी। फ्रिक्शनल और माय मोटर गाड़ी मिलके ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाए हैं, तो वीडियो पूरा देखना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हीकल सेफ्टी के बारे में। कुछ गलत फहमियाँ हैं व्हीकल सेफ्टी के बारे में, जिसे समझकर दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो दो तरह की सेफ्टीज होते हैं, पैसिव सेफ्टी और एक्टिव सेफ्टी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसिव सेफ्टी के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे क्रम्पल जोन के बारे में। यूजुअली गाड़ी के फ्रंट पार्ट और रेयर पार्ट में क्रम्पल जोन होता है। क्रम्पल जोन क्रैश के टाइम पे इंपैक्ट फोर्स को ऑब्जर्व करके उसे कम करता है, जिसे पैसेंजर्स के ऊपर कम फोर्स एक्ट होता है। क्रम्पल जोन ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं होना चाहिए, अगर वो ज़्यादा स्ट्रांग है तो फोर्स को ऑब्जर्व नहीं करेगा और सारा फोर्स पैसेंजर कैबिन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और वो ज़्यादा वीक भी नहीं होना चाहिए। मैं इसे एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। सोचिए, इस बंदे को एक हाइट से जंप करना है। पहले वो वुडन प्लैंक बांधकर जंप करेगा तो सारा फोर्स उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि वुडन प्लैंक फोर्स ऑब्जर्व नहीं करेगा। अब सेकेंड ट्रायल में अगर वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स बांध के जंप करेगा तो भी सारा फोर्स उसी को ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्डबोर्ड बॉक्स बहुत वीक है और वो कोई फोर्स ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब लास्टली वो एक सॉफ्ट मैट्रेस बांध के जंप करेगा तो इसमें ज़्यादा फोर्स मैट्रेस ऑब्जॉर्ब कर लेगा और उसको थोड़ा कम फोर्स ट्रांसफ़र होगा। यही प्रोटेक्शन क्रम्पल जोन भी व्हीकल को देती है। तो इन कंक्लूजन, आप एक व्हीकल के डैमेज को देख के उसका बिल्ड क्वालिटी जज नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं सबमर्सिबल कंपोनेंट्स के बारे में। क्रम्पल जोन का तो हो गया, पर क्रम्पल जोन में बहुत सारे कंपोनेंट्स भी तो होते हैं, वो कहाँ जाते हैं भाई? तो उन कंपोनेंट्स को सबमर्सिबल कंपोनेंट्स कहा जाता है। क्रम्पल जोन और पैसेंजर कैबिन के बीच में एक हाई कार्बन स्टील रीइंफोर्समेंट होता है, जो सारे कंपोनेंट्स को पैसेंजर कैबिन में एंटर होने से रोकता है और उनको नीचे पुश करता है। आप इन टेस्ट में क्लियरली देख सकते हो कि सारा कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग व्हील्स, स्टीयरिंग सिस्टम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं एयरबैग और सीट बेल्ट के बारे में। जी हाँ, एयरबैग और सीट बेल्ट दोनों साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर बनते हैं। तो एक एक्सेलरोमीटर सेंसर क्रैश के टाइम पे डी एक्सेलरेशन को मेजर करता है। अगर डी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है तो एयरबैग सर्किट को ट्रिगर कर दिया जाएगा, जो एक केमिकल एक्सप्लोसिव को ट्रिगर करेगा, जिससे एक इनर्ट गैस प्रोड्यूस होगा जो एक नायलॉन बैग में कलेक्ट होता है। ये बैग क्रैश के टाइम पे पैसेंजर को कुशन करता है। पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि एयरबैग जब इन्फ्लेट होता है तो उसका पोजीशन ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है, और जब एक पैसेंजर सीट बेल्ट पहनता है तो उसका भी पोजीशन ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है। पर अगर पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं पहनेगा तो उसका पोजीशन और भी आगे आ जाएगा। याद रखिएगा कि एयरबैग का जो ओपनिंग प्रोसेस है वो एक एक्सप्लोजन की तरह है। तो ये एक्सप्लोजन का फोर्स व्हीकल के इम्पैक्ट फोर्स के साथ ऐड हो जाएगा, जिससे हैवी इंजुरीज होने की पॉसिबिलिटीज है। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फीचर सीट बेल्ट होता है, क्योंकि उसके बिना सारा सेफ्टी फीचर्स वैलिड नहीं रहते। जो भी आप क्रैश टेस्ट और उनके रिजल्ट्स देखते हैं वो एक पर्टिकुलर स्पीड में किया जाता है, जिसके बाद में वो रिजल्ट्स वैलिड भी नहीं रहते। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप सीट बेल्ट पहनेंगे और सेफ्टी लिमिट में व्हीकल चलाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आप माई मोटर गाड़ी में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है माई मोटर गाड़ी और फ्रिक्शनल के बीच में। एक्टिव सेफ्टी के बारे में आपको वीडियो हमारा चैनल फ्रिक्शनल में देखने को मिलेगा, जाके चेकआउट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर।